सर्वधर्म सेवा संस्था द्वारा प्रगति भवन ऑफिसर्स एसोसिएशन बिल्डिंग में उतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा के उपरांत उत्कृष्ट कार्य किए गए लोगों का सम्मान भी किया गया। समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था सर्वधर्म सेवा संस्था द्वारा लंबे वक्त से समाज हित से जुड़े कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए संस्था के सदस्यों ने समाज हित में जागरूक करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में सर्वधर्म सेवा संस्था के पदाधिकारियों द्वारा बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के सिविक सेंटर स्थित प्रगति भवन में उतना ही लो थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित अतिथियों और वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि भोजन को बचाने उनके द्वारा पहल शुरू की गई है। सामाजिक पारिवारिक आयोजनों में जाकर उतना ही लो थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में विषय पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनंत साहू, बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंचोर, पूर्व नगर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सतपति एवं सर्वधर्म सेवा संस्था के प्रतीक भोई ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सर्वधर्म सेवा संस्थान के द्वारा लगातार जन जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से 2004 से ये संस्था प्रारंभ हुई थी, उस समय से लगातार विभिन्न जागरूकता अभियान इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। पहले वृक्षारोपण के संबंध में, फिर अंगदान के संबंध में, आज अन्न दान और अन्न को किस तरह से हम सुरक्षित करके रख सकें और उसको बर्बाद न हो, उसके संबंध में आज इनके द्वारा पूरा लोगों को जागरूक करने का एक अभियान चलाया गया है। पूरे सेवा संस्थान के सभी सदस्यों को हम सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज कई लोगों को जिन्होंने अपना अंग दान दिया है, उन सभी को प्रमाण पत्र भी दिया गया है और उन सभी को बहुत बहुत आभार है कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपने सभी अंग को दान देना चाह रहे हैं और इनके द्वारा जो विशेष बच्चे हैं, विशेष जो डिसेबल बच्चे हैं, उनके लिए भी लगातार इनके द्वारा मतलब अभियान चलाया जा रहा है, उनके उनको लोगों के बीच में लाने के लिए और एक सामान्य जनजीवन वो जी सके, इसके लिए तो हम सभी इस सेवा संस्था के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और लगातार निरंतर इस तरह के सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करें, इसे मन से काम। पहले तो मैं इस संस्थान के जितने पदाधिकारी हैं उनको बधाई देता हूँ कि इस तरह के कार्य हमेशा करते रहते हैं। भिलाई भलाई के लिए जाना जाता है और भिलाई में सर्व समाज जो हमारी संस्था है, सतपति साहब, हमारे भू प्रतीक भोई साहब, ये जो काम कर रहे हैं इसके बारे में शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये समाज को जागृत करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं प्रशंसनीय है और मैं कोशिश करता हूँ कि इस कार्यक्रम में पहुँचूँ। और आज का जो कार्यक्रम था, अन्न के एक एक दाने की जो कीमत होती है वो आप किसी होटल के लोगों से नहीं पूछ सकते, वो जो हमारे लोग जिनको दाना नहीं मिलता है या जिन बच्चों को या जिन हमारे नागरिकों को एक समय का भी खाना नसीब नहीं हो पाता, उनसे पूछ सकते हैं कि इस दाने की क्या कीमत है। और भगवान ने पृथ्वी पर सबको सबके लिए व्यवस्था दी है, हमारी ये व्यवस्था है कि हमको जितनी हमारी ज़रूरत है उतने संसाधनों का उपयोग करें और खाना तो जीवन का सबसे बड़ा अहम हिस्सा है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जीवन खाने से जुड़ा है, उसकी दिनचर्या, उनका कार्यक्रम, उसके जीवन का उत्थान विकास में खाने की अहम भूमिका है और हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम खाने को उतना ही ना जो हमारी थाली में उतना ना जितनी हमारी जरूरत हो। कितना जागरूकता आ पाएगी इस कार्यक्रम से? जागरूकता इसलिए आएगी, मैंने कहा ना भिलाई भलाई के लिए जाना जाता है और भिलाई में ऐसे संस्थान जो समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो इसमें जागृति होती है आप सबके माध्यम से। मैं तो आप सबके माध्यम है और आप सब आज का दिन उसके लिए विशेष है, तो इसको आप लोग आगे बढ़ाएं और इस संस्थानों के द्वारा जो जागृति दी गई है हर कैटरिंग वाले को, हर उस उन लोगों को जो बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो अपने खाने को व्यर्थ में जाने दें। मान लीजिए खाना बच भी जाता है किसी शादी ब्याह में, किसी कार्यक्रम में, तो उसको लेकर बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो खाने को बांटते हैं, उसमें उसका सहयोग करें। बहुत जगह ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जहाँ ये खाना देकर उसका उपयोग किया जाता है। और हमारे जीवन में मनुष्य के अलावा हम लोग जानवरों को भी खाना देते हैं, लेकिन उस खाने को उसी दिन उसका उपयोग होना चाहिए और कण कण पे हम लोग का ऐसा कहना है व्यर्थ ना हो, व्यर्थ
किसी भी चीज़ का व्यर्थ, एक प्रकृति में एक नियम है कि किसी भी कण का व्यर्थ नहीं होना चाहिए, तो हर क्षण का और हर कण का बहुत बड़ा महत्व है। तो क्षण का हम उपयोग करें अपने जीवन में इस कण को बचाने के लिए, उस कण का सही उपयोग करें, इसके लिए आज का ये कार्यक्रम था। इस संस्थान के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, मैं पुनः सबको बधाई देता हूँ। और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया उनकी महती जिम्मेदारी, मीडिया की महती जिम्मेदारी इस बात को आगे बढ़ाएं कि हमारा अन्न जो है, जो अन्न किसानों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से हमारे पास आता है, उसको संचित करें और जितनी जरूरत न लेते हुए बाकी उसको व्यर्थ किसी भी जगह न जाने दें। मैं यही अनुरोध आप सबसे करता हूँ। बहुत प्रारंभ के दिनों में तो इस संस्था का काम वृक्षारोपण का था, उस बात पर ये तय किया गया कि वृक्षारोपण करके लोग भाग जाते हैं, वृक्ष का हिफाजत कोई नहीं करता। आगे फिर चल करके वृक्ष को कैसे हम बीघाट से रोकें, पेड़ जानवरों से उसको बचाएं, कैसे उसको पानी दिया जाए, उसके बाद लगा कि नहीं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी हमको दखल देना चाहिए। फिर होते होते बेटी बटाओ पढ़ाओ और इस तरह का अंगदान देहदान, अब एक नया मुहिम हम शुरू किए हैं कि जैसे किसी भी कार्यक्रम में थाली में इतना अनाज ले लेते हैं, अन्न ले लेते हैं खाने के नाम से, खाते बहुत थोड़ा सा हैं, बाकी सबको फेंक देते हैं। तो लोगों को हम जागरूक करें कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, खाना उतने ही लो जितना आप खा सकते हो, जितना आप हजम कर सकते हो, क्यों किसी का सामान हम बर्बाद करें। आप सोचिए जितना अनाज हम थाली में बर्बाद कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, उससे एक गरीब का पेट भर सकता है, एक ज़रूरतमंद परिवार का पेट भर सकता है। तो हम इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करें और संकल्प लें कि हम अनाज को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करेंगे। हम इन लोगों से सतत संपर्क में रहेंगे, जहाँ कभी भी कोई आयोजन हो उस आयोजन स्थल पर जब जाके हम आयोजक से अनुमति लेके उसके परामर्श लेकर के हम वहाँ पर अपना बैनर लगाएंगे हमारे संस्था की ओर से, जिसमें इस संबंध में लिखा रहेगा कि थाली में आप उतने ही लें जितना आप उपयोग में ला सकते हैं, ताकि उसको भी कोई ये न लगे कि मेरे कार्यक्रम में आकर के ये बैनर लगाने वाला कौन है। हम उससे पूछ करके अनुमति लेकर हम बैनर लगाएंगे और लोगों को हम जागरूक करेंगे। और जिस तरह से स्वागत करते हैं मेन गेट में खड़े होकर, हम कोशिश करेंगे हमारे भी कुछ लोग वहाँ पर रहें, हाथ जोड़ के वो भी लोगों को स्वागत करें, अपना संस्था का नाम बताएँ और बोलें कि हम इस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं और आप लोगों को हम निवेदन कर रहे हैं कि आप अनाज बचाइए, ये हमारा मुहिम है। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक भोई है और मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ। बड़ी बड़ी समस्याएं हो या सामाजिक कुरीति बुराई हो, तो आपसी एकजुटता और एक विवेकपूर्ण तरीके से, समझदारी से बड़ी बड़ी समस्याएँ हल की जा सकती हैं। ये भी एक समस्या है जो अन्न का दुरुपयोग हो रहा है, इसे भी हम इस बुराई को भी हम आपस में, यदि मुझे और आपको अन्न का दुरुपयोग खराब लगता है तो हम दोनों मिलकर तीसरे को समझाकर अन्न के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। किस तरह जागरूक किया जाएगा लोगों को इस अभियान में? हम एक महीने का पखवाड़ा रहेगा हमारा, तो इसमें हम जो है वो जहाँ भी गए अपने कैटरिंग बंधु वगैरह आए हैं, इनके माध्यम से हम ऐसे सूची लेके वहाँ जाके वहाँ के आयोजक से निवेदन करके वहाँ के लोगों को हम निवेदन करेंगे कि उतने ही लोग थाली में व्यर्थ ना जाए, थाली में इस तरह निवेदन करके हम अन्न के दुरुपयोग रोकने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए लोगों को संस्था के पदाधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।